नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए नजर डालते हैं आगे के तमाम बड़े खबरों पर। चंदा एकत्र करके रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। जी हां, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव बाजार घाट में गाँव वासियों द्वारा चंदा एकत्र करके रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है। इस रास्ते के निर्माण के लिए सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला है, जहाँ 15 गाँव से भी अधिक गाँव है जो जिनके लिए सिर्फ ये एक ही रास्ता है शहर जाने के लिए। ये गांव एक तरफ नेपाल व एक तरफ शारदा नदी है। ये सभी गांव हमेशा बाढ़ से घिरे रहते हैं। इस गांव में लगभग 18,000 से भी ज्यादा वोटर हैं। यहां के सांसद वरुण गांधी, बीजेपी व विधायक बाबू राम बीजेपी से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के हैं। फिर भी इन गाँवों की हालत बद से बदतर है, कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है। पीलीभीत से हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। छोटे बड़े सब मिल के 50 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, जैसे भी मतलब शक्ति के अनुसार देते हैं पैसा। बेचारे गरीब आदमी तो परेशान होकर यहाँ से निकलते हैं सब, तो ये चंदा लगा के हम लोग पब्लिक के निकलने के लिए परेशानी को देखते हुए तो सबके बीच में हमने बात किया कि भाई कैसे करके ये होगा, सरकार बना नहीं रही है। 8 महीने पहले भी हमने ये चंदा लगा के ये रोड बनवाया। तो ये कितने गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं? लमसम 30,000 आदमी है जो हाफ डाउन रोजाना करते हैं। कितने गांव हैं यहाँ लगभग? लमसम ऐसे ही 18-20 गांव हैं। 18-20 गांव के लिए और कोई रास्ता नहीं है यहाँ के अलावा? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है जी। एक प्राइवेट रास्ता है, उसको वहाँ से जब वो मन चाहे वो बंद कर देते हैं। अपना चंदा वसूलते 500 रुपया, 1,000 रुपया, 200 रुपया रोजाना, गोलीबारी और वो होता है लाठीबाजी। अच्छा, बच्चे जो यहाँ स्कूल जाते हैं तो उनके क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है जी। तो बारिशों में स्कूल नहीं जा पाते होंगे? जी नहीं, बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। आपका शुभ नाम? बेअंत सिंह। अच्छा, गन्ना समिति डायरेक्टर रघुपुरी। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन। जी हाँ, बिजनौर के थाना क्षेत्र मंडौली के गाँव सिकरोड़ा में हनीफ पुत्र नन्हे तथा सूरज मलपुत्र महेश चंद्र, पप्पू पुत्र महेश चंद्र तथा तारा मलपुत्र महेश चंद्र, इनके बीच न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। सूरजमल हनीफ के बच्चों के साथ गाली गलौज करता रहता है। वह थाने में शिकायत करता है तथा साजिद अहमद तथा उनके परिवार के 8 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। साजिद अहमद का कहना है कि हम परिवार के 75 लोगों के साथ न्याय नहीं मिला तो हम यहाँ से पलायन कर लेंगे। हमने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। पहले अपना नाम बताएंगे? हाँ जी, मैं साजिद अहमद, ग्राम सिकरोड़ा, पोस्ट राजपूत नादा, तहसील नजीबाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे गांव में एक विवाद चल रहा है हनीफ और सूरजमल का, जिसको लेकर के सूरजमल हमेशा अदर दूसरे लोगों के नाम भी लिखवाता रहता है, जिसकी वजह से वो गाली गलौज करता है यहाँ पे आकर। गाली गलौज करने के बाद दूसरे लोगों के नाम भी लिखवाया था, जिससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और पुलिस उन लोगों के नाम की आके 116 में चलान कर देती है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिस कर रहे हैं उसमें बहुत दिक्कत आ रही है हमारे सामने, और हम प्रशासन से एक बार लगाते हैं कि अगर जो ये आदमी ऐसे ही परेशान करता रहा तो यहाँ से हम पलायन करने पर मजबूर हैं, हम पलायन कर जाएंगे। और हमने जो एप्लीकेशन लगाई है अपनी मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर लगवाई है। क्या ये आपकी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है? हाँ जी, ये मुख्यमंत्री वहाँ पर थाने में भी पहुंच चुकी है। कोई आया? अभी कोई नहीं आया वहाँ से। अभी कोई सुनवाई? जी अभी कोई सुनवाई नहीं है। 24 घंटे हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन लगाओ हुए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, जिसके चलते हमारे लोग जितने भी है बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये समझ लो कि इतनी इनको 3-3 बार जमानत करा चुके हैं पहले भी, 2011 में बिना कारी में फंसे बेचारे, और आज भी बिना कारी में जो इनकी जमानतें हो रही है। बार बार मुकदमा कायम होता है हमारे ऊपर। आपको चलाना? हाँ, चलाने में भुगतना पड़ता है, समझ लो हमारी तो रोजी रोटी में दिक्कत है इन लोगों के सामने, और ये बेचारे कहाँ से वकील करेंगे, कहाँ से वहाँ जाएंगे, इनके सामने बहुत बड़ी। धन्यवाद आपका। और कोई बोलना चाहेगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलदीप त्यागी, बिजनौर। कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जी हाँ, बिजनौर मंडावर के सादीपुर ग्राम सभा में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाहर से टीम आती है, जो टीम फाइनल जीत हासिल करती है उसी टीम को पुरस्कार दिया जाता है। बिजनौर से हमारे संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया बिजनौर मंडावर से राजीव कुमार। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम कपिल कुमार।
कौन सी ग्राम सभा है? ये ग्राम सभा सादीपुर। इस कार्यक्रम के बारे में बताएं सर। ये हमारे यहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है। ये बढ़िया कबड्डी जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेली जाती है और अब भारत और विदेशों तक प्रसिद्ध हो रही है। और कुछ बताएं सर, कहाँ कहाँ की टीम आते हैं? ये बहुत दूर दूर से टीम आई हुई है यहाँ पर, रावली, द्वारकपुरी और शामली, बाहर से यहाँ टीमें आती हैं और अपना सभी युवा दमखम दिखाते हैं। कब दिन का प्रोग्राम रहता है सर ये? ये यहाँ पर नॉन स्टॉप 24 घंटे कबड्डी चल रही है। कब दिन तक चलते हैं सर ये? ये 3 दिन तक खिलाई जाती है। जी सर, आपका नाम? नरेंद्र सिंह। कौन से ग्राम सभा है? ग्राम पंचायत सादीपुर। सादीपुर है। कई दिन का प्रोग्राम रहता है सर ये? 3 दिन का है। बाहर से टीम आते हैं, क्या इनको गिफ्ट दिया जाता है? हाँ, फर्स्ट नाम जो जीतने पर, जीतने पर 5100। जी सर, आपका नाम? जयप्रकाश शर्मा। कौन से ग्राम सभा है सर ये? सादीपुर। कितने दिन चलता है प्रोग्राम ये? 3 दिन। कहाँ कहाँ से टीम आते हैं? सभी काफी दूर दूर की टीमें आती हैं। क्षेत्र से, बाहर से, क्षेत्र के बाहर से भी टीम आते हैं? बाहर से आते हैं। कत दिन का प्रोग्राम रहता है सर ये? 3 दिन का रहता है। क्या गिफ्ट दिया जाता है जीतने पर? फर्स्ट को 5100 रुपए, सेकंड को 2100 रुपए, थर्ड को 1100 रुपए। फर्स्ट न्यूज इंडिया बिजनौर मड़ावर से राजीव कुमार। फाउंडरी एजुकेशन का हुआ सेमिनार। जी हां, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में फाउंडरी एजुकेशन को लेकर रानीगंज के आईटीआई कॉलेज में एक सेमिनार किया गया, जहां कॉलेज के छात्रों को इस एजुकेशन के जरिए अपने आप को कैसे डेवलप किया जाए इसकी पूरी जानकारी दी गई। फाउंडरी एजुकेशन के को फाउंडर संदीप कोड़िया ने सेमिनार में उपस्थित सभी छात्राओं को इस एजुकेशन के बारे में विचार से बतलाया। हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता सोनू चौधरी से इस एजुकेशन ग्रुप के बारे में जानकारी देते कंपनी के सीईओ जोय बंदोपाध्याय एवं फाउंडर संदीप केड़िया। आप लोग का किस प्रकार का प्रोग्राम है, हमें थोड़ा विस्तार से बताइए सर। एक्चुअली मैं आपको डिटेल बताता हूँ, हमारी जो वेबसाइट है foundry.in, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग वेबसाइट है, तो लर्निंग में साथ में इसमें हर तरह की पढ़ाई आपको एग्जाम भी दे सकते हैं। पढ़ाई को जो आप अभी कर रहे हैं, हमारे साइड में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में आप अपना इवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। प्लस हम लोग क्या करते हैं, सेमिनार करके जो कॉलेज को डिफरेंट कॉलेज में इंडिया के जाके बच्चों को डेवलप करते हैं, सॉफ्ट स्किल उनके डेवलप करवाते हैं, वेबसाइट के बारे में मालूम करवाते हैं कि हमारी वेबसाइट में जाके आप कैसे पढ़िए, कैसे जानकारी लीजिए, क्या कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, ये सारी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। उसी के तहत हमने आज रानीगंज आईटीआई कॉलेज में एक सेमिनार किया, तो अभी वो सेमिनार का ग्रुप डिस्कशन चालू है बच्चों के बीच में, लाइक बच्चों की इन्वॉल्वमेंट के लिए। तो हमारा वेबसाइट जैसे अभी 1 लाख से ऊपर MCQs हमारे वेबसाइट में अपलोडेड है, डेली ब्लॉग्स अपलोडेड होते हैं, अभी तक हमारे पास 18,000 ब्लॉग्स हमारे पास हैं। तो हमारा वेबसाइट अभी काम कर रहा है, डेवलपमेंट शेड और आगे काम कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि हमारे वेबसाइट से एक दूर गांव में बच्चा घर में बैठ के 3-3 घंटे ट्रैवलिंग में ख़त्म नहीं करके हमारे ऑनलाइन घर में बैठ के जो पढ़ाई उसको समझ लीजिए मेजिया या रानीगंज से कलकत्ता जाने में जो लगता है टाइम, उस टाइम में वो टाइम बचा के अपना हमारे साइड से अपनी सारी कोर्स कम्प्लीट कर सकता है। ये हमारा मेन मोटो है। तो आज किस कॉलेज से यहाँ पर बच्चों ने आईटीआई कॉलेज के बच्चे आज हमारे यहाँ पर हैं, रानीगंज प्राइवेट आईटीआई कॉलेज के, उसी कॉलेज में हम लोग डिफरेंट हर कॉलेज में जाते हैं, हर कॉलेज के उसी कॉलेज के बच्चों के साथ ही मैक्सिमम करते हैं। तो इंटर कॉलेज अभी तक हम लोगों ने सेमिनार नहीं किया है, तो इंटर कॉलेज सेमिनार नहीं चल रहा है हम लोग के अभी तक। रिसिस में हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं, कलकत्ता में भी 2 हम लोगों ने कर चुके हैं इसके पहले, तो इसी तरह हम लोग चल रहा है। आपको परिचय? मैं संदीप केड़िया, को फाउंडर foundry.in। থ্যাংক ইউ। আমরা জানি যে ইন্ডিয়াতে এখন জবের যত না ক্রাইসিস তার থেকে বেশি প্রবলেম হলো আনএমপ্লয়েবিলিটি। একটা ছেলের ঠিকঠাক স্কিল থাকে না তাই সে জব পায় না। আজকে আমরা রানীগঞ্জ আইটিআইতে এই জন্যই তাদের সফট স্কিল ট্রেনিং দিতে এসেছি, যাতে তারা নিজেদের হার্ড স্কিলের সঙ্গে সফট স্কিলটাকেও ঠিকভাবে গ্রো করে একটা জবের জন্য বা কেরিয়ারে একটা ভালো জায়গায় যেতে পারে। আমাদের ফাউন্ডারিতে আমরা বিলিভই করি কি প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট। যদি একটা মানুষ ঠিকঠাক প্র্যাকটিস না করে সে কোনোদিন নিজের সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবে না। এটাই
আজকে আমাদের ইয়ে ছিল এবং আজকে মোটামুটি 70টা ছেলে আজকে এই ট্রেনিংটা নিচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে ওরা এই ট্রেনিংটার পর সেরকমভাবেই আনন্দিত হবে এবং একটা কেরিয়ারে ভালো জায়গায় যেতে পারবে। আপনার পরিচয় স্যার? ম্যাম জয় বন্দ্যোপাধ্যায় হুম, ম্যাম ফাউন্ড্রি কা সিইও এন্ড ফাউন্ডার। आमने सामने हुई दोनों बाइकों की टक्कर। जी हां, लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के ढकवा रोड का मामला, जहां एक बाइक पर दो जेंट्स तथा एक लेडीज थी, दूसरी बाइक पर एक जेंट्स था। आमने सामने हुई दोनों बाइकों में टक्कर, जिससे गंभीरता से दोनों बाइक सवार घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार राठौर, उन्हें घायल लोगों को जिला सरकारी अस्पताल पहुँचा दिया। पूछताछ करने पर पता लगा कि घायल व्यक्ति तहसील निघासन के ग्राम चूरा ठंडा के हैं। लखीमपुर के से हमारे संवाददाता विनय प्रताप सिंह की नाम लिख लीजिए नाम। आपका क्या नाम है? नहीं, नहीं लगा। कैसे क्या हुआ? नहीं, पास नहीं लगा। बोलो कम भैया, हेलो सर, बोलो ना जरा यार, ध्यान रखिए जरा। हाँ थोड़ा जल्दी बोलना, कैसे क्या हुआ? आप लोग बाइक पर कितने लोग थे? आप लोग बाइक पर कितने लोग थे? तीन जने। वो लोग कितने थे ये सामने से बाइक के? अच्छा अच्छा, ये आपके कौन है जो आपके साथ में थे? चाचा और भैया। आपका क्या नाम है? देवकी। और जिनको चोट लगी इनका क्या नाम है? जी हाँ, आप किस गांव के रहने वाली हैं आप? चूरा टांडा निवासी। ओके ओके, ये थे अभी के कुछ खास खबर, और कुछ खास खबरों के साथ बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।